भारत माता की कसम खाकर मैदान में उतरे सरफराज खान ने खोल दिए गेंद के धागे, बना दिया सबसे बड़ा महारिकॉर्ड, अंपायरों का हो गया रो रो कर बुरा हाल। बदले की आग में जल रहे सरफराज खान ने तूफानी अंदाज में जड़ा दोहरा शतक, बीसीसीआई के भी उड़े होश, टूट कर चकनाचूर हो गया यशस्वी जायसवाल का महारिकॉर्ड। नहीं रुक रहा सरफराज खान का तूफानी अंदाज, चौकों छक्कों की बारिश से हिल गया पूरा मुंबई शहर, पहली बार गेंदबाजों की हुई दर्दनाक तरीके से पिटाई। उधर टीम इंडिया के सभी बब्बर शेर कानपुर टेस्ट महामुकाबले में ढाई दिनों के अंदर ही बांग्लादेशियों को बुरी तरह से धूल चटाने के बाद टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में पूरी रात भर पार्टी चल रही थी। रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली, विराट कोहली से लेकर यशस्वी जायसवाल, टीम इंडिया का हर एक बब्बर शेर जीत की खुशी में जमकर पार्टी करता हुआ नजर आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ बदले की आग में जल रहे सरफराज खान ने एक बार फिर से क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर ईरानी कप के एक मैच में मुंबई वालों की इज्जत बचाते हुए विरोधी टीम के गेंदबाजों की दर्दनाक तरीके से पिटाई करते हुए शानदार दोहरा शतक जड़ने का काम करते हैं, जिसके बाद पूरे हिंदुस्तान भर में एक बार फिर से सरफराज खान के ही चर्चे किए जा रहे हैं। क्योंकि मुंबई और शेष भारत के बीच खेले जा रहे ईरानी कप के एक महामुकाबले में मुंबई की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी। मुंबई का टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज शुरू में ही आउट होकर पवेलियन चला गया था। ऐसा लग रहा था कि मुंबई की पूरी पारी 100 रनों के अंदर ही ऑल आउट हो जाएगी, मगर तभी क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर कदम रखते हैं सरफराज खान। सरफराज खान मैदान पर उतरते ही विरोधी टीम के सभी गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ाते हुए गेंद के धागे खोलते हुए शानदार तूफानी अंदाज में बैटिंग करते हैं और मुंबई की टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में भी कामयाब हो जाते हैं। रिपोर्ट लिखे जाने तक सरफराज खान ने गेंद के धागे खोलते हुए 276 गेंदों का सामना करके 221 रन बनाकर अभी भी खेल रहे हैं और 42 बार की चैंपियन मुंबई के लिए ईरानी कप में दोहरा शतक लगाने वाले सरफराज खान पहले बल्लेबाज भी बन गए हैं। इससे पहले ईरानी कप के टूर्नामेंट में आज तक कोई भी भारतीय बल्लेबाज दोहरा शतक जड़ने का कारनामा नहीं किया था, मगर सरफराज खान ने उसको भी करके दिखा दिया और बीसीसीआई वालों के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ने का काम किया है। क्योंकि सरफराज खान को बांग्लादेश के खिलाफ दोनों टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड में सिलेक्शन किया गया था, मगर सरफराज खान को रोहित शर्मा और गौतम गंभीर नहीं पसंद करते हैं, जिसकी वजह से सरफराज खान को ईरानी कप का टूर्नामेंट खेलना पड़ रहा है। सरफराज खान ने अपनी 221 रनों की शानदार पारी के दौरान 25 चौके तो वहीं पर चार लंबे लंबे छक्के भी लगाते हैं। सरफराज खान के दोहरे शतक की बदौलत ही दूसरे दिन का खेल समाप्त होने पर मुंबई की टीम 9 विकेट पर 536 रन बना ली थी।